इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड हाइजीन से कलकत्ता से आए हैं। अच्छा, आपके जो आप कितने दिनों से यहाँ बना लगा कर बैठे और आपकी क्या मांग है? मेरा 50 घंटा हो गया जो धरना में बैठे हैं। और मेरा मांग ये है जो हम लोग का नर्सिंग पोस्ट में जो हम लोग हेल्थ वर्कर पोस्ट में फीमेल में करते हैं लेकिन सारा इंडिया में ANM नाम में चलता है लेकिन हम लोग का अभी भी ANM नहीं डेजिग्नेशन नहीं मिला जिसके लिए हम लोग ग्रेड से 1900 में रनिंग कर रहे हैं लेकिन वो लोग 2400 में रनिंग बंद कर 2400 में रनिंग कर रहा है। ये मेरा दावी है। और जो वैकेंट पोस्ट है उसमें रिक्रूट नहीं होता है। आज 10-15 साल से हम लोग का उधर कोई रिक्रूटमेंट नहीं होता है। हम लोग का PHM पोस्ट का वैकेंट हो गया लेकिन रिक्रूट नहीं हुआ। नर्सिंग पोस्ट रिक्रूट हो गया लेकिन वैकेंट हुआ लेकिन रिक्रूट नहीं हुआ। आपको क्या लगता है कि आने वाले पल में वो सारा काम जो आप करते हो जाएगा? सारा काम तो एक साथ नहीं होगा लेकिन धीरे धीरे तो होना चाहिए ना। हम लोग तो चाहेंगे एक साथ होना ही है क्योंकि इतना दिन हम लोग सफर कर रहे हैं। मेरा परवर्ती है जो उसमें भी सफर नहीं करे इसलिए और पेंशन ठीक ठाक मिलना चाहिए। और जो डेथ केस है उसमें भी उसका फैमिली को सर्विस नहीं मिलता है। अच्छा, फैमिली को सर्विस नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा। पेंशन भी नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा। अच्छा, इसी मांग से आप यहाँ हड़ताल कर रहे हो? अच्छा, और आपने साथियों को क्या संदेश देना चाहते हो? साथियों को संदेश देना चाहते हैं जो हम लोग फिर परवर्ती हम लोग का एक जो धरना है जो भूखा हड़ताल है 100 घंटा का 100 घंटा का भूख हड़ताल इधर होगा इसी में शामिल होने के लिए हम सबको अनुरोध करते हैं। बता दीजिए आज का प्रोटेस्ट आपको किन मांगों को लेकर है? मेरा नाम रामकिशन है, मैं सेक्रेटरी जनरल हूँ ऑल इंडिया हेल्थ एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स कॉन्फ्रेंस। हम लोगों को बहुत समय से लंबी मांगे पड़ी हैं सरकार से। कई दफ़ा हम लोगों की बात हुई 2016 में 2017 में और सरकार ने हमारी मांगों को माना भी जस्टिफाइड लेकिन पूरा आज तक नहीं करा। कभी कहते हैं आप कर देंगे अभी तक नहीं किया। हमारी मांगे हैं कि हमारा जो पेशेंट केयर अलाउंस है जैसे ही 4300 बेड के होगा बंद हो जाता है। हमारा पैरामेडिकल स्टाफ की कोई काउंसिल नहीं है। हमारे अनुकंपा के आधार पर भर्ती 5% है जबकि यहाँ डेथ रेट ज़्यादा है। हमारे पद खाली पड़े हैं। हमारा हेल्थ सर्विसेज में जो भी कर्मचारी जिस पोस्ट पर आता है उसी पोस्ट पर रिटायर होता है 30 साल नौकरी करने के बाद। हमारे लिए कोई प्रमोशनल प्रोस्पेक्ट नहीं है। ठेकेदारी प्रथा तो इस तरीके से चल रही है कि जैसे ही सरकार ने ठान लिया कि हम सरकारी अस्पतालों को बेच देंगे। इन सभी समस्याओं के खिलाफ हम लोगों का ये आंदोलन चल रहा है कि जब हमारी मांग जायज़ है तो इसे आप पूरा करें। आपका प्रोटेस्ट कब तक चलेगा आपके? ये आज हमारा दूसरा चरण था। 11 जुलाई को हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और ये फिर बिगुल की जिस तरीके से कहते हैं आंदोलन का शुरुआत की। अभी ये 27 तारीख से आज तक हमारा 50 घंटे का लगातार रात दिन का धरना चला है। अब 29 अक्टूबर से लेकर के 2 नवंबर तक हमारी 100 घंटे की 7 सीटी से साथी लोग बैठेंगे, हड़ताल होगा, इसी तरीके से रैली और प्रदर्शन होंगे और अगर सरकार तब भी नहीं चाहती तो 5 दिसंबर से हमारे पास। बंद करो, 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 बंद
सरकार होश में आए, मोदी सरकार शरण करो, शरण करो, शरण करो, मोदी सरकार शरण करो, शरण करो, शरण करो, जस कर्मचारी एकता जिंदाबाद, 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 जस कर्मचारी एकता जिंदाबाद, 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 हमारा आंदोलन जिंदाबाद, 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 बोले साथी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, बोले साथी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, मोदी सरकार हल्ला बोल।